आज हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के अभ्यास करने के लिए और योग के बारे में जानने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न है कि योग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे मनुष्य लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं और धन कमाते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिला। तो सबसे पहले ईश्वर की खोज के लिए हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने प्रयास किया। ईश्वर की खोज के संदर्भ में पहले वेदों की रचना की गई, वेदों में स्तुतियाँ की गई तरह तरह से हमारे ईश्वर की, और संतोष नहीं मिला। तो व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ नया पाने के चक्कर में रहता है, और आत्म संतोष तभी मिलता है जब आत्मज्ञान हो जाता है। तब तक हम लोग परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा पूर्व मनुष्य आदि मानव, उस समय हमारे मनोरंजन के संसाधन भी नहीं थे, टेलीविज़न वगैरह, तो केवल चुटकुले कहा, कथा कहानियाँ कह के ही अपना मनोरंजन करते थे, लेकिन फिर भी अंदर से असंतोष रहता था। तो असंतोष जो है उसको कैसे दूर किया जाए, हम क्या हैं और हम ईश्वर क्या है, इस प्रकार के अनुसंधान किए गए। तो इस संदर्भ में हमारे भारतीय मनीषियों ने इसमें बड़ा अच्छा उत्कृष्ट कार्य किए, वेदों की रचना की। जब वेदों से भी संतोष नहीं मिला तो वेदांत की रचना की, और वेदांत ही हमारे हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का एक मूल है। और वेदांत में क्या है कि ईश्वर की हम आत्मा के रूप में पूजा करते हैं, हम दर्शन करते हैं, कण कण में दर्शन करते हैं। इस संदर्भ में हम भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध को संतोष, मतलब किसी को भी संतोष नहीं होता है, धन पाठ धन राजपाठ मिल जाने के बाद भी। एक राजा का लड़का है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, और सब सुविधाएं पाकर भी उनको अंदर संतोष नहीं था। तो उन्होंने संसार को जानने की उत्सुकता हुई, तो जब बाहर एक दिन निकल रहे थे तो एक व्यक्ति मर गया, उसको लोग ले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि मर गया है। तो उनको भी उत्सुकता हुई कि हम भी मर जाएंगे। तो फिर एक व्यक्ति बाद में उनको वृद्ध दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा क्या हो रहा है कि ये वृद्ध हो गया है, तो चल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी ऐसे अक्षम हो जाएंगे। तो ये सब जिज्ञासा उनके अंदर हुई। हम लोग भी रोज नित्य देखते हैं कि कहीं मृत्यु होती है, कहीं वृद्ध होते हैं, कहीं चोरी होती है, और हम लोग फिर अपने रूटीन उसी कार्य में लग जाते हैं। हम लोग अपने अनुसंधान नहीं करते हैं कि हम क्या हैं। तो उनके अंदर एक उत्सुकता हुई कि हम अनुसंधान करें कि हम क्या हैं। तो हम क्या हैं कि खोज, मतलब उनके गुरुओं ने भी बताया जो हम हैं वही ईश्वर है। तो उसके बारे में कबीरदास जी ने भी कहा है कि हेरत हेरत हे सखी, मैं भी रहा हेराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। तो हम लोग एक समुद्र है, जैसे संसार में आत्मा का जो संसार है उसमें हम लोग एक बूंद हैं। तो जब हम बूंद उसी समुद्र में मिल जाती है तो हम और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। योग मतलब हमें आ रहा ईश्वर से जुड़ना। तो योग के लिए भारत में बड़े बड़े अनुसंधान हुए। तो महर्षि पतंजलि का जो हम है योग दर्शन, उसी को आजकल अध्ययन करते हैं, और उन्होंने एक सूत्र में बांधा और उसके अष्टांग योग बताए। अष्टांग योग में उन्होंने बताया कि 8 हैं उसके भाग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो सबसे पहले योग करने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए हमें यम का सहारा लेना पड़ेगा। यम से हमारे अंतः शुद्धि होती है। यम में क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हम क्या हैं, कैसे हैं, तो ये अनुसंधान के लिए वो सत्य है हमारी आत्मा। तो हमें सदैव आत्मा की ओर दृष्टि रखनी है, तब हम सत्य की ओर रह पाएंगे। फिर उसके बाद अहिंसा आता। अहिंसा का मतलब है कि हम किसी को भी परेशान न करें, किसी को भी किसी कष्ट ना दें, मारें तो बिल्कुल ना, बल्कि हम उससे किसी को से गलत भी ना बोलें, किसी की आत्मा को ना दुखाएं, तब हमारी अहिंसा दृढ़ होती है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है कि चोरी का ना लें। अस्तेय का संपूर्ण तात्पर्य है कि हम जो भी का शैली पा रहे हैं उतना मेहनत करें, और या जो भी हमें हम जिस किसी से ग्रहण कर रहे हैं उसके बदले में उसे पैसा या कुछ दें, फ्री में ना लें। तो जो हम फ्री में लेते हैं वो भी अस्तेय के अंतर्गत आता है। तो हम चोरी का माल ना लें, बिना मेहनत का बिल्कुल ना लें, अस्तेय, अपरिग्रह। और
अपरिग्रह का मतलब है कि हम संग्रह अधिक ना करें। सत्य अहिंसा अप्रेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, और हमारा ध्यान हर समय ब्रह्म की ओर रहे। तो ब्रह्मचर्य के बहुत विस्तार है, लेकिन एक सीधा अर्थ यही है कि ब्रह्म यानी ईश्वर या अर्थात आत्मा, जो हम उसको कई शब्दों से जानते हैं, आत्मा से भी जानते हैं और ईश्वर से भी जानते हैं, ब्रह्म से भी जानते हैं, हमारा ध्यान सदैव उसी की ओर रहे कि हम और ब्रह्म एक ही हैं। तो ब्रह्म में आचरण करें तो वो है ब्रह्मचर्य। सबसे प्रमुख है हमारा ध्यान। तो हम ध्यान में हमें क्या करना है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग सिर्फ एक ही लाइन में हमारे महर्षि पतंजलि ने बताया है कि चित्त वृत्तियां रोकना है। चित्त वृत्तियां क्या है? मन हमारा जो है बड़ा चंचल होता है, कुछ भी चीज़ देखता है तो उसके बारे में विचार चलने लगते हैं। तो असली उद्देश्य है हमारा चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति को हमें रोकना है। तो श्वासों से हम क्या करते हैं कि नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जो अंदर हमारे नर्व्स हैं उनमें, जैसे हम आजकल तो साइंटिफिक भाषा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और प्रदूषण बोलते हैं, तो जब हमारे उचित आहार विहार न होने से, उचित रहन सहन न होने से हमारे नर्व्स में भी मल आ जाता है, तो हमारा शरीर पीड़ा देता है और अंदर से कुछ उलझन सी रहती है। तो हमारा इसीलिए हमको प्राणायाम की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे गुरुओं ने मनीषियों ने देखा कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, तो प्राणायाम से हमारे अंदर के कलुष निकल जाते हैं। आसन तो हमारे जरूरी हैं कि हम किसी आसन पर दृढ़तापूर्वक अधिक समय तक बैठ सकें, तो हम अपने चित्त को शांत करने की कोशिश करें। तो हम ध्यान में क्या करें कि चित्त वृत्ति को रोकना है। तो हमारा असली योग है कि चित्त वृत्ति को रोकना है। तो ये हमारा असली भारतीय दर्शन है, भारतीय योग है, और हम लोग उसमें जो कसरत करते हैं उसको पाश्चात्य लोगों ने योगा बोल दिया और उसको हमको रिवर्ट करके दे दिया कि ये शरीर के लिए लाभदायक है। क्योंकि हम शरीर पांच इंद्रियों से ही ज्ञान जान पाते हैं, मन बुद्धि से ही जान पाते हैं संसार कैसा है, तो हम शरीर को ही अपना समझते हैं और शरीर को ही स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो हम शारीरिक व्यायाम को ही योग समझते हैं। वो शारीरिक व्यायाम तो हमें स्वस्थ रखने के लिए है, ताकि हम अपने बीमार ना हों और अंदर हमारे मल ना रहें, तो हमारे अंदर टेंशन ना रहे और हम सब विकारों को दूर करके नित्य ईश्वर की ओर प्रवृत्त हों और अधिक से अधिक समय ईश्वर को दें। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो सबसे पहले ये कलाइयों का हम एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे 10 बार दाहिने से घुमाएंगे, फिर 10 बार बाएं से। और चित्त को एकदम शांत रखेंगे, चित्त को हम स्थिर रखेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं सोचेंगे, सिर्फ ये कार्य कर रहे हैं इतना ही हमारे दिमाग में रहेगा, तो हमारा चित्त अधिक से अधिक एकाग्र होता रहेगा। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, चित्त को शांत रखना। तो अब इसके बाद हम थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। तो 10 बार दाहिने घुमाएंगे, 10 बार बाएं घुमाएंगे, आराम से धीरे धीरे पूरा रोटेशन, मैं अधिकतम रोटेशन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग कंधे की एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको 5 बार आगे घुमाते हैं, 5 बार पीछे। तो हम लोग इसके बाद कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। एक अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम में बाई नासिका से प्रारंभ में हम सांस खींचते हैं और दाई नासिका से निकालते हैं, और दाई नासिका से खींचते हैं और बाई नासिका से निकलते हैं। तो पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसको ऐसे बनाएंगे, ये उंगलियाँ 2 यूज करेंगे और 2 उंगलियाँ समेट लेंगे।
उसके बाद हम थोड़ा कपाल भाती करते हैं। और उसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन में हम लोग दोनों पैर इकट्ठे करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और इस वज्रासन में, इस वज्रासन से वज्र जैसे है, वज्र माने बहुत कठोर चीज, तो जो भी जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, जो दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, इस आसन से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारे शरीर के वायु विकार दूर होते हैं, जो हमारे शरीर में वायु बनती हैं तो वो कम होती हैं। और इस प्रकार हम वज्रासन में बैठे हुए हैं और 5 मिनट हम लोग ये ऐसे हाथों के हाथ ऊपर रखकर 5 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान में क्या करेंगे कि हम अपने चित्त को रोकने की कोशिश करेंगे। जो हमारा चित्त है इधर उधर भागता रहता है हर समय, और रुकना तो एकदम से असंभव होता है, लेकिन हम चित्त को देखते ही रहें कम से कम कि ये कहाँ जा रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही कर सकते हैं। तो हम चित्त को रोकने की कोशिश करते हैं 5 मिनट के लिए। आज से हम लोग नित्य ध्यान करेंगे और ध्यान में हम चित्त को ही रोकेंगे, सिर्फ इतना ही है योग, और अल्टीमेट यही है कि हमें ध्यान करना है और चित्त को रोकना है। हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेंगे, वही है योग। योग का मतलब जुड़ना, स्वयं को स्वयं अनुसंधान करना, हम कौन हैं, और ईश्वर में जोड़ लेना, उसी का नाम है योग। हम लोग आज से संकल्प लेते हैं कि हम निरंतर ध्यान करेंगे और हमारी धारणा रहेगी कि हम ईश्वर की ओर जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन हम समाधि को प्राप्त होंगे और सभी लोगों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ, इसी प्रकार हम थोड़ी देर 2 मिनट ओम का उच्चारण भी कर लेते हैं।